मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एलियन के धरती पे आने के बाद का सीन, जहां अब तक 89 डेज हो चुके होते हैं और एक छोटा सा शहर का सीन दिखाया जाता है जो वीरान पड़ा रहता है। वहीं एक शॉपिंग मॉल में एक फैमिली जो अपनी जरूरत का सामान ले रही होती है पर दम साइलेंट रहती और कोशिश करती है कि उनसे किसी भी तरह का कोई आवाज ना हो, क्योंकि छोटी सी आवाज से वो एलियन अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो अपने काम की सभी चीजें जैसे मेडिसिन और दूसरी चीजें लेके वहाँ से निकलते हैं और उन्होंने कोई शूज या सैंडल नहीं पहने होते हैं सिर्फ आवाज होने के डर से, और एक रेत की बनाए बॉर्डर पे चले जा रहे होते हैं। पर एक गलती हो जाती है कि उस फैमिली का सबसे छोटा लड़का वो एक टॉय उस मॉल से ले लेता है और बजा देता है। तभी जो आदमी रहता है उसका नाम ली रहता है, वो अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए दौड़ता है, पर जब तक एक एलियन आवाज को फॉलो कर मार देता है उस बच्चे को। के बाद सीन शिफ्ट होता है और 472 डेज बीत चुके होते हैं। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां रेगन रेत पे लेटी रहती है खेतों के बीच और अचानक से उठ जाती है, तभी अपनी आती माँ के साथ चल पड़ती है, उसका नाम एवेलिन रहता है। फिर हमें देखने को मिलता है ली अपना घर सिक्योर करने के ऊपर ध्यान दे रहा होता है और रेडियो पे सिग्नल भी भेजता है, ये इसका डेली का काम होता है। दूसरी तरफ एक लड़का भी दिखाया जाता है, उसका नाम मार्कस रहता है और वो खेल के घर में आ रहा होता है जहाँ वो अंडरग्राउंड में रहते हैं। उसके बाद ली को शाम की निगरानी करते हुए दिखाया जाता है अपने घर की। उसके बाद पूरे फैमिली को एक साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है और सब साइलेंट ही रहते हैं और साइन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। उसके बाद रेगन और मार्कस से गलती हो जाती है कि वो गेम खेलते समय एक लैंप गिरा देते हैं जिससे कि एक साउंड क्रिएट होती है, फिर वो बुझा देते हैं पर साउंड के कारण वो चुपचाप सुन रहे होते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता है। उसके बाद ली को अपनी बेटी यानी रेगन के लिए ईयर पीस ठीक करते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो डिफ रहती है। तभी उसकी वाइफ एवलिन आती और दोनों एक ईयरबड लगा के गाना सुनते हैं और डांस करते हैं बिना कोई आवाज करे। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एवलिन अपने बीपी और अदर बेबी हेल्थ चेकअप कर रही होती है। उसके बाद रेगन को दिखाया जाता है एक घर में जाते हुए जहाँ वो माँ की निशान पे रही होती है कि जिससे कि फ्लोर कोई साउंड प्रोड्यूस ना करे और जा रही होती है अंडरग्राउंड स्टोर में, पर तभी अचानक से ली आता है और उसे पकड़ के बाहर ले आता है और साइन लैंग्वेज में कहता है तुम वहाँ नीचे नहीं जाओगी। उसके बाद उसे ईयर पीस देता है ट्राई करने के लिए पर वो कहती है ये अब भी नहीं काम करेगा, पर ली कहता है साइन लैंग्वेज में कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं ये काम करेगा। उसके बाद एवलिन को अपने बेटे यानी मार्कस को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है और दूसरी रवली अपने बेटे को बुलाता है साइन लैंग्वेज में चलने के लिए, पर मार्कस कहता है मुझे डर लगता है मुझे नहीं जाना है साइन लैंग्वेज में। तब एवलिन कहती है डरो मत तुम्हारे डर तुम्हारे साथ हैं, और फिर मार्कस को ली के साथ जाने के लिए तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। तभी रेगन आती और कहती है वो जाएगी, तब ली कहता है उसे अपनी माँ के पास रुकने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए, पर रेगन फिर कहती है उसे जाना है, तो ली कहता है नहीं यहीं तुम सेफ रहोगी साइन लैंग्वेज में, और रेगन गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अपने डैड के दिए ईयर पीस को चेक करती है और एक बैग पैक कर वहाँ से निकल जाती है। और फिर ली को अपने बेटे के साथ एक नदी किनारे दिखाया जाता है जहाँ वो फिश पकड़ते हैं, पर एक छोटी सी साउंड के कारण मार्कस डर जाता है, तो ली उसे समझाता है कि नदी की आवाज से लो साउंड सेफ है। तब जाके मार्कस शांत होता है। उसके बाद रेगन को बैग के साथ फूड स्टोरेज कंटेनर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ एवलिन काम कर रही होती है, वो एक बैग लेके ऊपर की ओर चढ़ रही होती है। तभी वो बैग फंस जाता है एक कांटे में और गिरने वाला रहता है, तभी एवलिन उसे रोक लेती है गिरने से कि आवाज ना हो। उसके बाद फिर ली को मार्कस के साथ एक झरने के नीचे दिखाया जाता है जहां वो आवाज के साथ बात करते हैं और मार्कस अपने डैड से पूछता है क्यों आपने रेगन को यहां आने नहीं दिया।
उसके बाद एवेलिन को अपने छोटे बेटे को याद करते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ जब ली और मार्कस वापस आ रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है जिसकी वाइफ मरी पड़ी रहती है, तो वो आवाज के साथ चिल्लाता है। तो इतनी ही देर में ली अपने बेटे को लेके वहां से भागता है और छिप जाता है जब तक वो एलियन उस बूढ़े को मार देता है। फिर एवेलिन को दिखाया जाता है, वो वापस जा ही रही होती है अपने अंडरग्राउंड वाले प्लेस पे, तभी उसे पेन स्टार्ट हो जाता है और वो जाती है वापस। पर वहाँ रास्ते में स्टेयर पे कांटे निकला होता है जो उसे चुभ जाता है, पर वो आवाज भी नहीं निकाल सकती है। पर उसके एक हाथ से फ्रेम गिर के टूट जाता है और फिर एक हलचल स्टार्ट होती है, तो वो एलियन उनके खेत में आ चुके होते हैं क्योंकि सारे रेड लाइट ऑन हो चुके होते हैं ली के सेटिंग के मुताबिक। उसके बाद एवेलिन एक कंटेनर के पीछे छुप जाती है, तभी हमें वो एलियन को दिखाया जाता है जो साउंड को फॉलो कर वहाँ पहुँच चुका होता है। पर एवेलिन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है एक अलार्म सेट कर, और जब वो एलियन साउंड के पीछे जाता है तो एवेलिन वहां से निकल जाती है। उसके बाद ली और मार्कस को दिखाया जाता है जहां ली अपने बेटे मार्कस को साइन लैंग्वेज में कह रहा होता है कि उसे उन लोगों का ध्यान बटाना होगा, पर एक टाइम के लिए मार्कस मना कर देता है, पर ली उसे समझा कर मना लेता है। और फिर मार्कस को भागते हुए दिखाया जाता है और दूसरी ओर एवेलिन को एक बाथटब में छुपे हुए दिखाया जाता है जहाँ उसे वो पेन हो रहा होता है। वैसे ही वो एलियन एवेलिन के पीछे आता है, पर वैसे ही मार्कस वर्क स्टार्ट कर देता है जिससे कि वो साउंड प्रोड्यूस हो और वो सब उसे के पीछे जाए। इतने में ही एवेलिन बहुत कस कर चिल्लाती और वो फायर वर्क स्टार्ट होते ही रेगन भी अपने घर की ओर भागती है जहां ली अपने वाइफ की तलाश में गन के साथ उसी घर में पहुंचता है और देखता है एवेलिन बच्चे को जन्म दे चुकी है। उसके बाद दूसरी ओर मार्कस को वहां से आते हुए दिखाया जाता है, पर एलियन पीछे पड़े होने के कारण वहां से वो भाग कर एक जगह छुप जाता है। और रेगन को खेत के सहारे आते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो एलियन उसके पीछे आता है, पर वैसे ही रेगन का वो ईयर पीस कुछ एरर साउंड प्रोड्यूस करने लगता है जिससे कि वो एलियन सह नहीं पाता है और भाग जाता है। उसके बाद ली को अपनी वाइफ और नए बच्चे के साथ आते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चा रास्ते में ही रोना स्टार्ट करता है, तब ली उसे भागते हुए लेके आता है और ऑक्सीजन लगा के एक बॉक्स में बंद कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद जब एवेलिन को होश आता है तो ली उसे बताता है कि उन्होंने हमें नहीं सुना। तब एवेलिन कहती है हम कामयाब रहे, फिर अपने दूसरे बच्चों के बारे में पूछती है तो ली कहता है वो अभी भी बाहर है। तब एवेलिन कहती है तुम्हें उन्हें बचाना होगा। उसके बाद ली को वहां से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है और दूसरी ओर मार्कस रेगन से मिल जाता है और दोनों फूड स्टोरेज वाले कंटेनर के ऊपर रहते हैं और आग जला के सिग्नल दे रहे होते हैं, पर साधन खत्म होने पे मार्कस रेगन से कहता है उसे नहीं घबराना चाहिए, डैड जरूर आएंगे। उसके बाद ली को अपने बच्चों को कैमरा में खोजते हुए दिखाया जाता है, पर उसे मार्कस और रेगन नहीं दिखने के बाद वो निकल पड़ता है खुद। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ एवेलिन रहती है, वहाँ पानी भरने लगता और वो अपने बच्चे को लेती है, तभी एलियन की आवाज सुन पीछे हटती और एक पानी के पीछे चली जाती है। तभी रेगन मार्कस को साइन लैंग्वेज में कहती है डैड नहीं आएंगे और वो जाने लगती, तभी मार्कस उसे रोकता है, तभी वो कंटेनर में गिर जाता है जहां वो एलियन एवेलिन के पास से उस साउंड को सुनकर वहां चला जाता है। और फिर ली को उस कंटेनर के पास आते हुए दिखाया जाता है जहां वो देखता है एलियन उसके सामने से जा रहा होता है और दूसरी ओर मार्कस उस ग्रेन वाले कंटेनर में अंदर धंस रहा होता है, पर वैसे ही गेट का एक पीस वहां गिर जाता है जिससे कि रेगन कूद कर उसे वो पीस दे देती पर खुद धंसने लगती। तभी मार्कस ऊपर उठकर रेगन को भी खींच लेता है, पर एलियन वैसे ही वहां आ जाता है, तभी वो दोनों उसके पीछे छिप जाते हैं, पर एलियन उस मेटलशिप अटैक करता है, पर रेगन की एयर पीस फिर से वही एरर साउंड प्रोड्यूस करती है, तभी वो एलियन फिर से भाग जाता है। और फिर वो देखते हैं एलियन गया पर वहाँ एक होल करके गया है। उसके बाद एवेलिन को कैमरे में देखते हुए दिखाया जाता है जहाँ दूसरी ओर ली अपने बच्चे से मिल जाता है और उनसे पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो, तब वो कहते हैं साइन लैंग्वेज में हाँ, और फिर वैसे ही एक आवाज आती है तो ली अपने बच्चों से कहता है कि चलो ट्रक की ओर। और दूसरी तरफ ली उस एलियन को खोज रहा होता है, तभी हमें देखने को मिलता है कि वो एलियन उसके ऊपर रहता है और एक
वार करता है जिससे कि वो फेंका जाता है। तभी रेगन और मार्कस ट्रक के अंदर बैठते हुए दिखाए जाते हैं, जहां रेगन अपने ईयरपीस फिर से चालू करती है। तभी वही साउंड प्रोड्यूस फिर से होता है और जब वो बंद करती है वो ईयरपीस, तभी वो एलियन उनके ट्रक पे हमला करता है और ये सब देख ली अपने बच्चों से साइन लैंग्वेज में कहता है, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ एवेलिन भी देख रही होती है। तभी ली अपने आवाज के साथ जोर से शोर करता है और वो एलियन ली को मारने के लिए भागता है। इनमें मार्कस वो ट्रक बढ़ा देता है। उसके बाद मार्कस और रेगन को एवेलिन से मिलते हुए दिखाया जाता है और वो सब ली के काम वाले जगह पे जाते हैं, जहाँ रेगन देख के रोने लगती है कि उसके डैड ने वाकई उसके लिए वो चीज रिपेयर करने की कोशिश की है। तभी एक आवाज आता है तो मार्कस अपने छोटे भाई के साथ एक कोने में छुप जाता है, जहाँ एवेलिन गन ताने वहीं खड़ी रहती है और एलियन दम उसके सामने खड़ा रहता है, पर वो सिर्फ सुन सकता है, जिसके चलते वहाँ की स्क्रीन वो तोड़ता है और एवेलिन ये सब सिर्फ देख रही होती है गन हाथ में लिए। उसके बाद रेगन की नज़र अपने डैड के लेके कुछ बातों पर पड़ती है। तभी रेगन को एहसास होता है और वो अपना ईयरपीस स्टार्ट करती है, जिससे कि वो एलियन बौखलाने लगता और ये सब एवेलिन भी देख रही होती है। तभी रेगन की नज़र वहाँ पड़े एक माइक पे पड़ती और वो ईयरपीस उस माइक में लगा देती है, जिससे कि वो वहीं कुछ देर के लिए गिर जाता है। और जब वो बंद करती है तभी वो एलियन उठता है, वैसे ही एवेलिन उसे गोली मार देती है। उसके बाद एवेलिन कैमरा में देखती है बहुत सारे एलियन उनके तरफ आ रहे होते हैं उस गोली की आवाज की वजह से। तभी एवेलिन रेगन की ओर देखती और रेगन स्पीकर की साउंड फुल कर माइक हाथ में लेती और एवेलिन गन तानती है। वैसे ही मूवी का द एंड हो जाता है।